हमें बाबा साहब के विचारों को अपनाना है, उसको आगे बढ़ाना है। सभी पुरुषों से मेरा आग्रह है कि वो अपने घर की महिलाओं को समान सम्मान दें और उनको बराबर का हक दें। साथियों, बाबा साहब ने हमें हजारों साल की गुलामी से आजादी दिलाई। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी, लड़ते हुए भी, उन्होंने हमारे लिए तरक्की के रास्ते खोले। नमस्कार, दी मूक नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम, और अब जैसा कि मेरे पीछे आप ये बस देख सकते हैं, इस बस पर बाबा साहब की तस्वीर बनी है। बहुजन महापुरुषों का एक लंबी लिस्ट में उनका नाम लिखा गया है, और बस है मिशन जय भीम की, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो आज मिशन जय भीम को 2 वर्ष हो चुके हैं, 2 वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज कई लोग यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लेकर मिशन को मजबूत किया है। ये बस पूरे देश में जाएगी और लोगों को इस मिशन से जोड़ेगी। वो बस है, हम आपको ये बस दिखा दे रहे हैं, पूरी सुविधा इस बस में। ये बस पूरे देश में जाएगी और लोगों को शिक्षित करने का काम करेगी। जब भी मिशन द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, उसके तहत ये बस पूरे देश में जाएगी। तो ये एक लग्जरी बस है जिसमें हर तरह की सुविधा है, ताकि जो भी लोगों से जुड़ने के लिए जाएं, उन्हें जो एक बेसिक सुविधा है वो ज़रूर दी जाए। खाने पीने की व्यवस्थाएं, ओवन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फ्रिज भी है, इस तरफ कॉफ़ी का इंतज़ाम है, आरओ वाटर लगा हुआ है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर वॉशरूम भी है, ताकि किसी भी चीज़ की इंसान को जो चले उन्हें दिक्कत ना होने पाए। पहला पड़ाव हमने, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो रिस्पांस मिल रहा है वो गुजरात और राजस्थान में मिल रहा है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हैं, क्योंकि रूढ़िवादिता से, जाति व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं वो लोग। अब बौद्ध धर्म की तरफ, क्योंकि जो बाबा साहब का अनुयायी है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा, ये पक्का है। ये क्योंकि जो बाबा साहब को मानेगा वो बाबा साहब की भी मानेगा, और बाबा साहब की मानेगा तो बौद्ध धर्म में जाएगा, ये पक्का विश्वास है। और हम ही नहीं, अब तो आप विदेशों में देखिए, 58 देशों में बौद्ध धर्म है, खाली भारत में नहीं, 58 देश में बौद्ध धर्म है। उन्होंने ऐसे ही नहीं अपनाया हुआ, वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, विकासशील देश है वो। अब तो यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें बौद्ध धर्म बहुत। क्या बौद्ध धर्म में ही भारत की तरक्की छिपी है? पक्का, क्योंकि हम रूढ़िवादिता से, अंधविश्वास से बाहर होंगे। नींबू लटकाने से सुरक्षा नहीं होती, हम नींबू लटका के सुरक्षा करने वाले पर नींबू लटका रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सरकार ही नींबू से, जब वो हेलीकॉप्टर क्या उसको बोलते हैं, अपने यहाँ पर फाइटर जेट प्लेन लेकर आती है, तो पहले नींबू से काटती है, उसके बाद उसकी शुरुआत करती है, और आप कह रहे कि नींबू से नहीं होगा। यही अंधविश्वास है, ये पॉलिटिकल है, वो उनका जो है वो केवल पॉलिटिक्स राजनीति से प्रेरित रहती है ये चीजें, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं से पूछो क्या नींबू से कोई सुरक्षा होगी, फिर तो जेट खरीदा नहीं चाहते, नींबू हरी मिर्च लटकाते रहते। आज से 30-32 साल पहले रथ निकला था, पूरे देश में गया था, और उसके बाद क्या हुआ था वो सबको पता है। इस रथ के निकलने के बाद क्या बदलाव आएगा, क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, वो जो रथ निकला था वो राजनीति से प्रेरित था। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित? ये राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। आप इसमें बेसिक डिफरेंस यही है, ये लोगों के दिल और दिमाग को ठीक करने के लिए है। लेकिन मन सोच बदलेगी, जब अंधविश्वास से बाहर आएंगे, जातिगत व्यवस्था से बाहर आएंगे और बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, जिसमें तलवारें लहराने वाला काम नहीं है, ये बिना हथियार के करुणाशील, बौद्ध में न्यायप्रिय, ये ऐसे समाज की स्थापना। हम बौद्ध दीक्षा दिलाएंगे, हम दीक्षित करेंगे, हम शिक्षित करेंगे, हम तो बताएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है ये बताने का हमने प्रोग्राम रखा है। हम कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ये हम तो अपने सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है जिसमें वापस आ रहे हैं। हम किसी धर्म का, धर्म परिवर्तन का तो जरूरत ही नहीं, हम तो पहले से ही बौद्ध थे, हमारे तो पूर्वज बौद्ध थे, हम तो उसी में वापस आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, कोई धर्म नहीं। आखिरी क्या संदेश देना चाहते हैं, बस चलने वाली है पूरे देश के लिए? जाति छोड़ो समाज जोड़ो, भारत को बौद्धमय बनाए, तभी आपकी तरक्की है, देश की तरक्की है, समाज की तरक्की। तो ये जो जय भीम
मिशन शुरू किया गया, मिशन जय भीम। इसके 2 साल पूरे होने के बाद अब ये बस जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बस है, ये पूरे देश में जाने वाली 2025 तक ये बस जाएगी। जय भीम के नारों के साथ लोग उसकी शुरुआत ये बस से शुरू हो चुकी है। यहाँ से ये यात्रा शुरू होकर पूरे देश में गुजरात राजस्थान से होते हुए पूरे देश में घूम कर वापस दिल्ली आएगी। और ये मिशन तैयार किया गया कि 2025 तक पौधमय भारत बनाना है, जिसमें लोगों को पौध के बारे बताना है और उनको जानकारी देनी है। और मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई दूंगा कि मिशन जय भीम को जो हजारों हजार लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, हजारों हजार लोगों ने मिशन जय भीम को सहयोग किया, उसी पैसे से, जनता के पैसे से पहले तो आपने एक कैडर सेंटर, विपसना सेंटर के लिए जगह खरीदी और आज ये धम्मरथ जो आपके सामने अपने बहुजन महापुरुषों की विरासत को लेकर, जो बुद्ध का धम्म जिसमें एक संदेश है, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव एक समान, इसी कारवां को पूरे भारत के कोने कोने में लेकर ये धम्मरथ जाएगा। मिशन जय भीम की टीम इसमें जाएगी, बहुत भिक्षु जाएंगे और पूरे देश के अंदर जो नफरत का वातावरण है, जो जाति और धर्म के नाम पे उन्माद है और जो गढ़े छूने पे हत्या हो रही है, मूछ रखने पे हत्या हो रही है, इस सब का खात्मा करते हुए भारत में, भारत के संविधान को, सब लोग संविधान के प्रति आस्था रखें, तिरंगे के प्रति आस्था रखें, भारत को एकजुट करें, विविधताओं को खत्म करें, जो अपने अंदर जो ये नफरत का माहौल है, ये जो छुआछूत और जातिवाद है, इसको पूरी तरह मुक्ति पानी है। यानी छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, शोषण मुक्त भारत, महिलाओं का उत्पीड़न मुक्त भारत और किसी का धर्म की वजह से, जाति वजह से हत्या ना हो, एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प करते हुए बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चलते हुए, ताकि सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए प्रज्ञा हो, सील हो और करुणा हो, उसी को लेकर ये धम्मरथ पूरे देश के सभी राज्यों में कोने कोने में जाएगा। देखिए, जोड़ने से भारत बनेगा, तोड़ने से भारत टूटेगा। और जो लोग भारत से प्यार करते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, जो लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जिनके मन में तिरंगे के प्रति इज्जत है, वो कभी भी जाति के, धर्म के नाम पर उन्माद नहीं करेंगे, वो कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, वो देश को जोड़ने की बात करेंगे। तो ये धम्म देश को जोड़ने के लिए निकला है और इसमें पूरी टीम, पूरे देश के अंदर लोग जुड़ चुके हैं। महिलाएं, मुझे मतलब बेहद खुशी है, इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं, जवान लड़कियां, बच्चियां और बच्चे, वो इस तेजी से इसमें शामिल हो रहे हैं इस मुहिम के साथ कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव एक समान। एक अपने भाषण में बात कर रहे थे, हमारे समाज के बच्चे, क्या समझे इसका मतलब? हमारे समाज का मतलब जो लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो पूरे भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो पूरे भारत से जुल्म अत्याचार का राज खत्म करना। सर, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत बात चल रही है, देश में हाहाकार मचा है, पूरे देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे उन्माद हो रहा है। आज ही अभी कुछ ही दिन पहले 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है गढ़े छू लेने मात्र पे, तो क्या ऐसी हत्याओं पे हमें रोशनी प्रकट करना? सर, आपने हमें भारत को इस तरह का भारत बनने देना चाहिए? 75वां आजादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाया? सर, आपने यहाँ प्रदर्शन क्या क्या, आप लोग राजस्थान भी गए थे इसके लिए? हमारी राजस्थान भी टीम गई है, दिल्ली में भी, पूरे अलग अलग राज्यों में भी हमारी टीम ने धरना प्रदर्शन किया है और ये न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ये थे मिशन जय भीम के संरक्षक और दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम जी, जो हमें बता रहे थे कि क्या रोड मैप है जो इन लोगों ने मिशन शुरू किया है, 2025 तक का क्या प्लान है और क्यों ये नारा दिया गया है, जाति छोड़ो और समाज जोड़ो। दिल्ली से मैं पूनम असीम, मूक नायक।